बकमिंस्टर फुलर अपने युग के एक महान डिजाइनर थे। 1950 में उन्होंने जियोडेसिक डोम का इजाद किया और प्रिडिक्ट किया कि वो सबसे हल्का ढांचा था अपने वजन के लिए। 1970 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ और लोगों ने जब प्रोटीन वायरस के ढांचे को देखा तो उसको जियोडेसिक पाया। बाकी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सिनर्जी नाम के शब्द का इजाद किया और उसको प्रचलन में भी लाए। वो भारत को बहुत प्यार करते थे। 70 और 80 के दशक में वो कई बार भारत आए और उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को मिले। वो इंदिरा गांधी को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि सिनर्जी का मतलब क्या है, पर वो समझाने में असफल हो रहे थे। तब बकी ने अपने थैले में से 3 समबाहु त्रिकोण निकाले। उन्होंने तीनों समबाहु त्रिकोणों को जोड़ करके एक टेपी जैसी बनाई, एक तरह का तीनों को इंक्लाइन करके एक ढांचा बनाया और फिर उन्होंने इंदिरा गांधी से पूछा कि आपको कितने त्रिकोण दिखाई दे रहे हैं, और उन्होंने जवाब दिया 4। 3 त्रिकोण इस्तेमाल करे गए थे पर एक चौथा बिल्कुल नीचे आधार में बन गया था। इसलिए सिनर्जी का असली मतलब यही है कि जो होल है वो टुकड़ों से उसका योग ज़्यादा होता है। द होल इज़ मोर देन द सम ऑफ द पार्ट्स। अब यहाँ पे देखिए, ये टेट्राहेड्रन है, 3 इसमें साइड में ट्रायंगल हैं, पर एक नीचे एक त्रिकोण बन जाता है और यही सिनर्जी का मतलब है। दैट द होल इज मोर देन द सम ऑफ द पार्ट्स। टेट्राहेड्रन या चतुष्फलक एक बहुत बहुत ही बुनियादी एक बिल्डिंग ब्लॉक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मीथेन का की आणविक संरचना। यहाँ पर एक टेट्राहेड्रन के अंदर 4 कंचे हैं जो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके बीच में एक छोटा सा गुलाबी नारंगी रंग का मोती है जो कार्बन का अणु है। ये देखिए 4 कंचे हैं जो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनके बीचों बीच एक मोती है नारंगी रंग का जो कि कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मीथेन का।